नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। खबर प्रयागराज से। प्रशासनिक मंजूरी न मिलने से बागेश्वर धाम सरकार का मां शीतला महोत्सव कार्यक्रम हुआ निरस्त। आपको बता दें, प्रयागराज जनपद के मेजा थाना अंतर्गत कुंवरपट्टी जवनिया में 19 फरवरी को बागेश्वर धाम सरकार का होने वाला कार्यक्रम निरस्त। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माँ शीतला महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रयागराज आ रहे थे, जिसकी संपूर्ण तैयारी हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक मंजूरी न मिलने की वजह से उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। कार्यक्रम निरस्त होने की जानकारी स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता सुमित द्विवेदी की रिपोर्ट। गुरुपादुकाभ्यो नमः, परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु, सीतापति पादुकाभ्या हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। इस वीडियो के माध्यम से प्रयागराज के पास में मेजा ग्राम में श्री शीतला माता महामहोत्सव जो चल रहा है, उसमें 19 तारीख को हमारे आने की पूर्ण तैयारी कर ली गई थी और निश्चित रूप से हमको जो है 2 घंटे का समय निकाल कर उस महोत्सव में सम्मिलित होने आना था, लेकिन इसी बीच में आज हमको संकेत प्राप्त हुए, वार्ता हुई और मेल पर जानकारी आई प्रशासन के द्वारा, कहा कमिश्नर के साहब के द्वारा, कि वर्तमान में प्रयागराज में संपूर्ण फोर्स व्यवस्था लगी हुई है और वहाँ भीड़ बहुत हो जानी है, अगर आप आएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो शुक्ला जी ने भी कहा कि गुरु जी अब कुछ दिन बाद रुक करके आप आशीर्वाद देने आना, इसलिए 19 तारीख को मेजा प्रयागराज में जो हमारा आना था, हम पीठ के माध्यम से बड़े विनम्र भाव से, बड़े विनय भाव से यह कह रहे हैं कि उस दिन हमारा आना असंभव है, फिर कभी भगवान कृपा करेंगे तो हम कथा करने के लिए आएंगे। इसलिए 19 तारीख को पहुंचने वाले सभी दर्शनार्थी ज्यों के त्यों रुक जावे। मेजा प्रयागराज हमारे राजू भैया शुक्ला जी के यहाँ पर जो शीतला माता महोत्सव का कार्यक्रम करवाते हैं, उसमें जो जहाँ हैं अभी रुक जावे, आगामी समय में जब भी हम आएंगे कथाक्रम के लिए आएंगे, निश्चित रूप से आपको हम जानकारी पहुँचवा देंगे। और 21 बेटियों का विवाह हमारे शुक्ला परिवार करवा रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे प्रशासन की अनुमति के कारण, प्रशासन के भी कारण, और उनका कहना भी उचित है कि किसी भी प्रकार से अहित ना हो। कमिश्नर साहब, पूरा प्रशासन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने विशेष विनय भाव से प्रार्थना की, उसको दृष्टिकोण रखते हुए प्रशासन की व्यवस्था ना बिगड़े, हम बार बार यही विचार करते रहते हैं। इसलिए उनकी मेल को और उनके वाणी को सम्मान करते हुए, प्रशासन का सम्मान करते हुए 19 तारीख का कार्यक्रम स्थगित है, लेकिन बेटियों को गृहस्थ जीवन की मंगलमय आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज दया करें, सब पर कृपा होवे, यह वीडियो के माध्यम से सब तक सूचना पहुंचा दें ताकि किसी की आशा निराशा हाथ ना लगे। बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च सब लोग आओ, यहाँ स्वागत है। और पूरा DGS ग्रुप, हमारा पूरा शुक्ला परिवार, राजू भैया और उनके ईश्वर भैया और सभी लोग यहाँ बागेश्वर धाम पर उस कन्या विवाह महोत्सव में रहेंगे, उनका धाम है, निश्चित रूप से हम सब मिलेंगे। जय सियाराम।